इधर डारी डारी फूलों की तुझको बुलाए रे रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड मेरे उत्तराखंड पे अरे आजाओ रे आजाओ रे आजाओ रे पी जाओ रे मेरे ठंड तो गाइज अभी हम जा रहे हैं उत्तराखंड में अपने गांव की ओर और ये इस वक्त हम पंतनगर एयरपोर्ट के सामने से निकल रहे हैं ये देख तो यहाँ से अपनी काफी यादें जुड़ी हुई हैं और तन्नू जो है अपना छोटा सा था ना इतना सा मतलब कुछ 5-6 महीने का होगा शायद तब हम इसको यहाँ लेकर आए थे अब मैं काफी टाइम बाद यहाँ आ रहा हूँ तो अभी जो हूँ अभी मैं हूँ पंतनगर यूनिवर्सिटी के पास में गाइस अब मैं इतने साल का हो गया हूँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ साल से अब आप कितने साल के हो गए 6 साल का मैं गाइस तो गाइस ये बहुत ही अच्छी जगह है तो अभी क्या है कि मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रास्ते भी जा सकता था बट मैं जो है इस वक्त पंतनगर यूनिवर्सिटी के रास्ते जा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा काम है मुझे जो है यहाँ पे कुछ पौधे लेने क्योंकि यहाँ पे पौधे बहुत अच्छे मिलते हैं तो गाइज ये यहाँ की जो है ये यहाँ पे मार्केट है यहाँ पे जब भी लोगों को कुछ सामान लेना होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी एरिया है तो लोग यहाँ पर आते हैं ये कि हम किस लिए यहाँ पर आए हैं मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं जो है थोड़ा सा दूध ले लूँ क्योंकि यहाँ पे एक डेयरी है तो वहाँ पे ताज़ा ताज़ा दूध मिल जाएगा अगर वो डेयरी इस वक्त खुली हुई होगी तो बट ये तो मुझे बंद लग रही है यार नहीं नहीं खुली है और दूसरा जो है मैं सोच रहा हूँ यहाँ से एक पॉलिथीन या कुछ कवर लेने का ताकि जो मैं पौधे अभी लूँगा ना उनको मैं कवर कर सकूँ क्योंकि वो मैं ऊपर रखूँगा क्योंकि मैं पहाड़ में किस लिए जा रहा हूँ कब जा रहा हूँ कब तो मतलब मैं आज ही जा रहा हूँ ये तो आपको इस व्लॉग से पता ही लग जाएगा बट किस लिए जा रहा हूँ ये मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगा बेसिकली अभी फंडा यही है कि मैं पहाड़ में रहने जा रहा हूँ अब कितना टाइम रहता हूँ ये वहाँ पर सर्दियों के हिसाब से डिपेंड करेगा बट ये कि अब मैं आता जाता पहाड़ में रहूँगा ये मैंने सोचा है तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त जो ये आंचल डेयरी है जैसे कि दिल्ली में मदर डेयरी होता है ऐसी यहाँ पर जो ये आंचल डेयरी होती है ये उत्तराखंड की है तो अभी हम यहाँ से जो है दूध लेंगे ताकि अपने आने वाले जो एक दो दिन है वो हम इस दूध से निकाल सके फिर उसके बाद ऊपर पहाड़ों में जाके दूध ले लेंगे तो तन्नु कैसा लग रहा तुझे इस वक्त गाँव जाके अम्मा की याद आ रही है बट कल तक तो तू कह रहा था कि मुझे गाँव जाना है अभी भी बता दे तू अभी भी बता दे अगर आपको दिल्ली चलना है तो मैं यहीं से मोड़ लेता हूँ नहीं मेरे को गांव जाना है पर मेरे को मम्मी के साथ जाना है अभी हम यहाँ पे गाड़ी पार्क कर लेंगे और फिर देखते कि हमें जो है वो पेड़ ढकने पौधे ढकने के लिए मिलती है नहीं मिलती है क्या कहते हैं उसको पन्नी चलो अंदर की तरफ खड़ी करते हैं तो मुझे अभी वो पन्नी तो नहीं मिल रही है बट मैं सोच रहा हूँ कि अब एक काम करता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं वे मतलब मैं उस पन्नी के बदले मैं कोई दूसरी पन्नी देख लेता हूँ और चलते हैं आगे क्योंकि यहाँ से भी हमको जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि आज हमें पहाड़ टाइम से पहुँचना है अभी हम जो है थोड़ी सी सब्जियां भी ले लेते हैं क्योंकि ऊपर पहाड़ों में सब्जियां उतनी ताज़ी मुझे नहीं लग रहा कि जब तक हम पहुंचेंगे तब तक मिलेगी तो यहां से हम कुछ फ्रेश सब्जी ले लेते हैं क्योंकि पूरा एरिया ही जो है एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है ना ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी गोभियां हैं यहां मूली फ्रेश वाली नहीं है बैडमिंटन लेंगे चलो गाइस आज हम बैडमिंटन ले लें पहले मम्मी को वो खरीदने आप कुछ बोलेंगे रुद्र हेलो गाइस सभी ले ले हम बच्चे ले ले हैं हम बाद पे हम बैडमिंटन लेंगे जब सब्जी ले लेंगे रुद्र क्या बोल रहे सब्जी ले रहे हैं आपको अभी बैडमिंटन दिखाएंगे संदी है और गाइस वो देखिए हमारी गाड़ी वहाँ पर खड़ी है ये बीच में एक पार्क वाला एरिया है ये पूरी की पूरी जो है ये पंतनगर के अंदर बनी हुई मार्केट है कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे पंतनगर में बना हुआ
कॉम्प्लेक्स टाइप की मार्केट है ये, थोड़ी इधर है दुकानें, फिर उधर हैं, फिर उधर, और फिर इस साइड में, और वहाँ वो अपनी सिलेरियो खड़ी है। बस यहाँ से सामान लेके फटाफट जो है थोड़े से पौधे लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है हम ऊपर पहाड़ के लिए चल पड़ेंगे। आगे जो आपको ब्लॉग जो है मोस्ट प्रोबेबली कल से आपको जो है पहाड़ों के ब्लॉग देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो सब्जियाँ ले ली हमने, जो जो हमें यहाँ से सही लग रही हैं, जो पहाड़ों में रिक्वायरमेंट होगी हम ऊपर पहाड़ों से जो है उधर की लोकल मार्केट से सब्जियाँ ले लेंगे। बाकी आपको जो है पहाड़ों के ब्लॉग कल से देखने को मिलेंगे। गाइज, क्योंकि पंतनगर से काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं, मैं तो यही कहूँगा जो लोग भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जो यहाँ के हैं, अगर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है आपको काफ़ी सारे ब्लॉग जो है पहाड़ों से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। बाकी मुझे मेरे चैनल में एक दो कमेंट आए हैं किसी भाई साहब के हैं, वो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, बट वो मैं कल करूँगा, कल या फिर पहाड़ों में जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं वहाँ पे उन कमेंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा, जो कि बहुत ज़रूरी कमेंट है, क्योंकि कैसे मैं अपनी गाड़ी को लेके जो है पहाड़ों में चला जाता हूँ दिल्ली से। कुछ सब्सक्राइबर मेरे ये भी जानना चाहते हैं, तो इसके बारे में भी जो है मैं डिस्कस करूँगा, बट आज नहीं, आने वाले कुछ व्लॉग में। तो बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे व्लॉग्स के साथ, ताकि जो है मैं आप लोगों को और अच्छी तरह से एंटरटेन कर सकूँ, और अच्छी जो है नॉलेज और जानकारियाँ जो है वो घूमने से रिलेटेड दे सकूँ। तो गाइस, हमें पन्नियाँ तो नहीं मिली, बट हम सब्जी वाले भैया ने हमारी हेल्प कर दी है, हम इस तरह के कट्टे ले रहे हैं ताकि इनको जो है हम पौधों में बात देंगे। वो देख लीजिए, ये हमने कुछ सब्जी ले ली है अभी शुरू के लिए, देखते हैं कितने दिन चलती है सब्जियाँ। आप देख सकते हैं कितनी भारी है ना, ये गाँव जा रही है काम करने के लिए ना, ये देखो इनसे इतनी सी तो सब्जियाँ उठाई नहीं जा रही है, खुद उठा के देखो चल जाएगा। तो यही तो उठाने जा रहा हूँ मेहनत करने, देखूंगी। तो गाइस, आप देख लेना हमारे व्लॉग में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है गांव में, मैं की है। और कमेंट करके बता देना। हाँ, और कमेंट करके भी बता देना हम लोगों को, ठीक है। हम लोगों को कमेंट करके बताना सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है आराम से। तो ये रही यहाँ पे रावत स्टेशनरी जर्नल, यहाँ पे मिलेंगे हमें स्पोर्ट्स का सामान। तो यहाँ पे मैं मिल गया बैडमिंटन, तो अपने पहाड़ों में अच्छा टाइम पास करने के लिए ये रहेगा बैडमिंटन यहाँ से। इसमें चल तो जाएगा ना चीटिंग? सही है, बढ़िया है, सब बच्चे ले जाते हैं तो बार फिर चौथा बच्चा। चलो दे दो, और साथ में वो का है इसका बैटरी। तो अभी हम एक ये ले लेते हैं, और इसके साथ एक वो दे दो शटल इसकी, क्योंकि ज़्यादा महंगे लेने के फ़ायदे नहीं है, क्योंकि मोस्टली हमको जो है यहीं खेलने के लिए चाहिए। और हमने एक बैट ले लिया, बैट मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, हल्का भी है और अच्छा भी है खेलने के लिए। गाइस, आपको कभी भी पंतनगर में अगर स्पोर्ट्स के सामान लेने हो तो ये एक तो ये वाली शॉप है, यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स और स्टेशनरी के मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा अब जो मैंने भी आपको मार्केट दिखाई थी वहाँ से यूँ अंदर को आकर इधर को आप देख सकते हैं, इसी कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है, और इधर भी शॉप है, ये भी अपने पास गिफ्ट आइटम वगैरह रखते हैं, गिफ्ट आइटम वगैरह और ये स्पोर्ट्स के सामान। तो चलिए, अभी हमने ये ले लिया है, और जो है अब हम आपसे आगे मिलते हैं, आगे ब्लॉग में बात करेंगे। थैंक यू। ये यहाँ पे टाटा मोटर्स का वो है, क्या नाम है, फैक्ट्री। तो गाइस, इस वक्त हम आ गए हैं उद्यान अनुसंधान केंद्र पत्थरचट्टा, यहाँ पे जो है हमें पौधे मिलेंगे। पौधों के लिए अच्छा यहाँ पे वातावरण बना हुआ है, ये देखिए पौध विक्रय केंद्र, यहाँ पर मिलेंगे हमको अच्छे पौधे। ये पौध विक्रय केंद्र की तरफ को आते हुए आप ये देख सकते हो, ये है उद्यान अनुसंधान केंद्र का ऑफिस, यहाँ से जो है आपको पौधों की पर्ची कटती है, उसके बाद आप वहाँ आगे नर्सरी पर जाएंगे, जो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट नर्सरी बनी हुई है, और वहाँ से आपको पौधे मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं, वैसे भी हमें बहुत देर हो गई है, और हमें पहाड़ भी जाना है गाइज, पहाड़ के लिए हमें देर हो जाएगी, तो जल्दी फटाफट यहाँ पे काम करते हैं।
जो है हमने यहाँ पे पौधे ले लिए हैं, आप देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पे फिट कर दिया। ऑल्दो पहले मेरा प्लान था कि इनको ऊपर छत पे बुक कर लूँ, बट ये पौधे जो है ना ये उतने बड़े साइज के हैं नहीं और यहीं पे फिट आ गए। और जितने मैं पौधे सोच रहा था कि मैं इतने सारे पौधे लूंगा उतने मुझे मिले नहीं है, बट जितने भी मिले हैं आई थिंक सफिशियंट है। तो ये जो है हम पौधे अब गांव लेके जाएंगे, पूरी गाड़ी जो है मेरी खचाखच भर चुकी है। एक्सप्लोर करेंगे तो उत्तराखंड के गांव को, उत्तराखंड में किस तरह के गांव होते हैं इस तरह के आपको व्लॉग देखने को मिलेगा, तो वहां पे किस तरह की लाइफस्टाइल होती है ये सब हम जो है आप हमारे आने वाले व्लॉग्स में देखेंगे। ठीक है, ये देखिए पूरी गाड़ी खचाखच भर चुकी है। चलिए अब चलते हैं आगे, निकलते हैं, देर बहुत होगी हमको। ये देखिए 12:30 तो यहीं हो गए भाई साहब, और यहाँ से ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे का रास्ता तो होगा ही, और आराम आराम से भी चलेंगे तो 4 घंटे करीब। तो मतलब कि उम्मीद है कि आज हम जो है 4:30-4 बजे तक या ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे तक हम गांव पहुँच जाएंगे। कल से निकले हुए हैं गांव जाने के लिए हम। ये देखिए कितना अच्छा फ्लावर्स लग रहा है।